नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो हमारे साथ यूट्यूब चैनल डैश टेक। तो आज मैं मिठवा को एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कहानी सुनो। और लास्ट में मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग से एक आज छोटा सा रिक्वेस्ट भी हम करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उसी जानवरों के बीच में रहता था एक हाथियों का झुंड। और हाथियों के झुंड के साथ एक हथनी भी रहती थी और ये कहानी उस हथनी ही का है। सुन रहे हो मिठो? और वो हथनी काफ़ी प्यारी थी। और सबसे खास बात पता है मेठू क्या है? वो जो प्यारी सी हथनी थी, वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके पेट में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा पल रहा होता है। और एक दिन हथनी को बहुत ज़ोर से भूख लगता है और वो ऐसे भी रोज़ वो खाने की तलाश में निकलती थी, लेकिन उस दिन वो सड़कों के रास्ते मनुष्यों के काफिले की तरफ चल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ मनुष्य दिखते हैं और वहाँ पर उसे अनानास गिफ्ट किया जाता है खाने के लिए। हथनी इंसानों पर भरोसा कर कर वो अनानास खा लेती है। उस बेचारी को क्या पता था उस अनानास के अंदर पटाखा भरा हुआ है। जैसे ही वो खाती है वो पटाखा फट जाता है और उसका मुंह और जीभ पूरी तरह से चोटिल हो जाता है। और वो इतनी तरह से चोटिल होता है कि वो बेचारी ना कुछ खा पाती है ना कुछ पी पाती है। वो ऐसे ही दर्द से सड़कों पर तड़पती हुई चलते रहती है मीठू, समझे? तो चलते चलते उसको वहाँ पर एक पानी का तालाब दिखता है और ये उसके लिए बहुत अच्छा जगह था जहाँ पर वो अपने मुंह का जो जलन है उसको कम कर सके। वो बहुत देर तक पानी में खड़ी रहती है, बहुत कोशिश करती है, फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके पेट से बच्चा जो रहता है, उसका जो पल रहा होता है, वो बोलता है, माँ ऊपर से तो ये अनानास ही दिख रहा था। तो हथनी भी रोते हुए कहती है, ऊपर से तो वो भी इंसान ही दिख रहे थे मेरे बच्चे। और इतना कहते ही हथनी वहाँ पे अपना अंतिम सांस लेती है और इस दुनिया से चली जाती है। काश ये सिर्फ एक कहानी ही होता, लेकिन दोस्तों ये सच्चा घटना है और आप लोग भी इस घटना से रूबरू हुए ही होंगे। और मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि क्या जानवर वो हाथी है या हम इंसान? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर एक आत्मा का मतलब है प्रेम, वफादारी, कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होना, तो जानवरों मनुष्यों से ज़्यादा बेहतर है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोई लाइक और कमेंट्स का टारगेट नहीं रखेंगे। मेरा आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कहीं भी जानवर दिखते हैं तो प्लीज़ उसे खाना खिलाइए। और अगर जानवर पे अत्याचार हो रहा है अगर आपके आसपास, तो प्लीज़ उस जानवर का हेल्प कीजिए। इस छोटा सा हेल्प आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है। और हमारा जो फैमिली है वो अप्रॉक्स 240 तक पहुंचने वाला है, मतलब 2,40,000 लोग हैं और सारे के सारे लोग एनिमल और बर्ड लवर ही हैं। तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग इतना तो करोगे ही। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जो बोला है प्लीज़ उस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।